रिसेंटली हमने एक पॉडकास्ट में देखा था, प्रांजल दहिया जी ने यही बोला था कि पता था, पढ़ाई भी छोड़ दी मैंने, मैंने एज ए घर से भी ट्रैक्टर चलाता था भाई। मैं भाई किसी ना किसी चीज में मैं अभी तो सीनियर हूँ किसी से, वो लोग बा उठा रहे भाई ब्लू टिक लग रहा है भाई का ये, किसी चीज में मैंने कोई पैसा नहीं दिया मेरे भाई। हाँ तो भाई स्वागत है आप सबका हमारे नए पॉडकास्ट में। आज हमारे बीच है द मोस्ट फाइनेस्ट इन द गेम गौरव भाटी। हाँ तो भाई क्या हाल चाल है? बस जी भाई बढ़िया, बताइए कैसे हो? बढ़िया जी, हम भी बढ़िया भाई। क्या चल रहा है आजकल? भैया हमारा तो आजकल एक गाना चल रहा है, आप सभी सुन रहे होंगे, गुजर के ऊपर। हाँ एक गाना बनाया था हमने अभी जो आप सभी सुन रहे हो, तो उसी में रील आई जा रही है, हमारे भी स्क्रॉल में वही रील आई जा रही है बार बार। अच्छा, हर दूसरा पर्सन उसकी रील बना रहा है आपके नए सॉन्ग की। बहुत अच्छी बात है यार, अच्छी चीज है कि आप भी सपोर्ट कर रहे हो और देख रहे हो हमें। हाँ। और आप सभी का प्यार है, और आप सभी की जो भी हमारी कम्युनिटी के हैं, अदर्स के भी, सब बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं गाने को। इस सॉन्ग की लाइन जो है ना वो सबके माइंड में बैठ जाती है, एक बार अगर सुनने लग जाए ना फिर पूरे दिन वही दिमाग में घूमती रहेगी बात, ये बात, ये गाने की लाइन, ये लाइन। हाँ जी जी, थोड़ी देर देख लो बस रील, उसी में यही लग जाता है कि हाँ। नहीं आजकल हॉबी तो ऐसी रहा है, आप सभी को पता है कि ऐसा कोई बंदा नहीं रहा है इस इंडिया में जो हर 15 मिनट में अपने फोन की स्क्रीन चेक ना करता हो। हाँ ये बात भी मानते हो ना? मानते हो, मानते हो। तो यार ये सपोर्ट ही आप सभी का प्यार है, और बस तुम्हें बताइए कि भाई ये ऑडियंस जो है प्यार मिल रहा है आप सभी से, और आपने हमें यहाँ पे बुलाया भी है तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। आप इतना अच्छा कर रहे हो और आपका यूट्यूब चैनल भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, मैंने इंटरव्यू देखे हैं आपके, तो ट्रेंडिंग में ला दिया भाई आप अपना गाना वैसे। हाँ भाई ट्रेंडिंग में ला दिया, सपोर्ट है सभी, आप सब भैया की सपोर्ट है, प्यार है। हाँ तो भाई वैसे आपने कब सोचा था कि भाई गाने वाने मुझे बनाने चाहिए? कोई बचपन से ही आपका एम था या फिर बड़े हो गए कुछ? देखो एम तो मेरा बचपन से ही था, पर मुझे खुद नहीं पता था शायद मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। मेरे भी कुछ ऐसे थे जो जिनका मैं फ़ैन था, लोकल में भी, जैसे कि विजय वर्मा भाई थे वो डांस अच्छा करते थे, अजय हुड्डा भाई थे वो भी गाते, क्योंकि मैं हरियाणा में वही सुनता था उनके ज़्यादातर, पर मुझे पंजाबी का ज़्यादा शौक था। अच्छा, हाँ कि मैं पंजाब के गाने बनाऊंगा भाई, हरियाणा भी कुछ नहीं होते, ये तो हिंदी सॉन्ग है ये। और पर यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी दिखी कि हमारे यहाँ के लोकल में सभी को हरियाणवी चीज़ें ज़्यादा पसंद आने लगी, तो फिर मैंने भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया, मैंने कहा यार कुछ हरियाणी में करते हैं। देखो रोकने वाले बहुत होते हैं स्टार्टिंग में गाँव का, आप सभी को बताइए माहौल कैसा होता है गाँव में, लोग इस चीज़ को नहीं मानते, अरे क्या नाचना बजाना कर रहे हो, ये कर देंगे क्या करेंगे, तो मैंने इग्नोर करी कुछ चीज़ें। मुझे डिबेट भी किया किसी ने, मतलब नेगेटिव में भी डाला कि नहीं यार तू बेकार कर रहा है चीज़ें, लोग बाप क्या बोलेंगे तुझे, तू डांस करता डोलता है ये वो, और मैंने कुछ चीज़ें नहीं सुनी, सिर्फ मैंने अपने मन की सुनी। तो मैं तो ऑडियंस को जो भी ये देख रहे हैं और जो अभी नई जनरेशन है, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा भाई कि अगर आप किसी चीज़ में आगे बढ़ रहे हो, आपके अंदर टैलेंट है, तो मैं आप सभी से यही बोलना चाहूँगा कि आप अपना टैलेंट आगे लाइए, किसी के मत सुनो अपनी सुनो। अगर आपका मन कर रहा है कि मुझे यहाँ भी ये काम करना है, मैं क्रिकेट में हूँ, मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ, मैं या मैं गाने बनाता हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं राइटर हूँ, तो भाई आप उसमें आगे बढ़ो, अपने आप को खुद से बनाओ, दूसरा बंदा कोई नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ोगे। इस इंडस्ट्री में ये चल रहा है अब की दुनिया में जो भाई मुझे लग रहा है, देखो सबकी अलग अलग सोच है, मैं अपनी बता रहा हूँ कि कोई नहीं चाहेगा कि तुम आगे बढ़ोगे, तो मैं ये चाह रहा हूँ किसी की मत सुनो अपने मन की सुनो। अच्छा तो ये कहना चाहते हो आप कि लोगों की मत सुनो अपने अपनी सुनो। देखो लोगों, देखो मैं कह रहा हूँ लोग, आप पूछते हो, देखो आप पूछोगे भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, चार अच्छी भी बताएंगे, दो बुरा भी बताएंगे, तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा भाई जो आपका मन कर रहा है, जिसमें आपको लगन है, क्योंकि काम किसको करना है आपको, जब आप आगे बढ़ जाओगे तो लोग आगे देखेंगे यार हाँ ये बंदा ऐसा था, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि लोगों ने मना करा, घर वालों ने भी मना करा पहले स्टार्टिंग में, चलो मैंने मनाया करा, जब चीज़ें आगे बढ़ी, कुछ चीज़ें हिट हुई चली, अब तो आप देखते ही देख रहे हो आप सारी चीज़ें, अब तो ट्रेंडिंग में हो आप। अरे भाई ट्रेंडिंग में तो आप लोगों ने कर रखा है ना, आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, देखो मैं भी कुछ नहीं कर सकता अकेला आप सभी के लिए, अगर मैं सिर्फ कंटेंट ला सकता हूँ, पसंद तो आप लोगों को आएगा, मैं अपने कंटेंट 10 बार पसंद करूँ कि यार मेरा बहुत अच्छा है, मेरे बोलने से अच्छा नहीं होगा कंटेंट, क्योंकि जो ऑडियंस है आप भाई हो वो देखेंगे, उनके देखने से कंटेंट अच्छा होगा। मैं तो 10 बनाऊंगा, 20 बनाऊंगा, 50 भी बनाऊंगा, कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं कि भाई उनके दिमाग में चढ़ जाते हैं, जैसा आपने बोला अभी मेरे से एक सवाल किया था कि भाई आपका गाना चल रहा है तो उसमें लिरिक्स इतने अच्छे हैं कि हमारे जो भाई हैं नागर जी हैं जो, उन्होंने जिसने लिरिक्स लिखे हैं बहुत अच्छे आए, मेरे को पसंद आए, उन्होंने मेरे पास कॉल करी कि भाई ये लिरिक्स हैं मुझे पसंद आए, तो मैंने गाना बना दिया। अच्छा
तो भाई आपने वैसे सॉन्ग लिखने वगैरह ये कौन से स्टार्ट करा ये सब शूट वगैरह? भाई सॉन्ग लिखने का मैंने कोई स्टार्ट नहीं करा। मेरा क्या था, हमारी मम्मी जी मौसी जी और मतलब ये सब क्या था, इनका थोड़ा गीत का शौक था। लोगों को होता ही तो मैं पता, औरतों को थोड़ा गीत गाते हैं, पुराने पुराने गीत थे जो। तो मैंने क्या करा कि माइंड में था कि यार कुछ अलग हटके किया जाए, तो मैंने एक मैशअप लिखा उन गीतों को, मतलब सबको मिक्स करके एक मैशअप बनाया। माइंड ये था कि यार सबको कंटेंट अलग कुछ निकाल के देना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी यहाँ का गाने सुनते हैं लंबा हो जाता है गाना एक वर्ड। उसमें क्या था, हर चीज़ चेंज थी, जो हिट चीज़ थी ना तो वो मैंने उसमें करी गाने में, हिट हिट निकाल निकाल के पार्ट निकाल के पार्ट पार्ट करके, तो मैंने मैशअप बना दिया। और मैशअप भी ऐसा बनाया यार, मैं खुद कन्फ्यूज था, वो मैंने खुद के स्टूडियो में कराया लगा लो। अच्छा, मैं कह रहा कि मेरा थोड़ा सिस्टम था मुझ पर, वही 10-5 हज़ार रुपये का मैंने ले लिया ना, होते हैं घर में लगे रहते हैं, मैं चलाने के लिए ले लेते हैं कि भाई थोड़ा अपना भाई काम कर लिया बेसिक बेसिक, तो मैं वो ही था मेरे पास। मैंने उसमें क्या करा भाई, डाउनलोड कराया, फिर डाउनलोड करने के बाद में घर में म्यूजिक बना लिया, सब चीज़ रिकॉर्डिंग कहीं दूसरी जगह जाके उसको मिक्स करके, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करी, मन कि देखते हैं क्या होता है। बस भगवान ने साथ इतना दिया और आप लोगों ने इतना सपोर्ट करा कि वो गाना हिट हो गया, 25 से 30 मिलियन पहुंच गया। फिर दूसरा गाना भी मैंने खुद के स्टूडियो पे किया, लड़का था मेरा एक दोस्त, उसको मैंने बुला लिया मेरठ से, उसकी मदद से मैंने म्यूज़िक करा, लिरिक्स लिखे, सारी चीज़ें करी। मेरा छोटा भाई भी था और दो छोटे और थे, हमारे भाई साहब हैं जो छोटे वाले हैं, वो भी साथ में ही काम कर रहे हैं, आपने देखा भी होगा, सारे सब ने मिल के ग्रुप में, और मतलब एक प्लान करा भी चलो कुछ हटके करते हैं, तो वो चीज़ें करी और बस वो चलती चली गई फिर सारी चीज़ें। अच्छा, तो सॉन्ग वगैरह लिखते कैसे हो, मतलब ग्रुप के साथ ही बैठ के लिखते हो या अकेले? हाँ, ग्रुप होता है पूरा, मेरे दो भाई हैं छोटे, जीजा हैं मेरे छोटे जो भाई साहब हैं, आपने देखा होगा रैप करते हैं, हम सारे बैठते हैं मिलके और सारे ही प्लान करते हैं। अच्छा, ऐसे नहीं होता भी मैं ही खुद कर रहा हूँ सारा चीज़ें, सबको सब पता होता है। अच्छा, क्योंकि ग्रुप का पूरा टीम का मिलके ही सारा वर्क करते हैं। तो भाई आप गाने गाते भी हो या लिखते ही हो? नहीं भाई, ज़्यादातर जो ना लिखने का नहीं है मेरा काम, लिखता तो मैं हुई नहीं, मैंने वही जो मैशअप होते हैं ना वो मैशअप मैं लिखता हूँ सिर्फ, जिससे आज मैं फेमस हुआ हूँ या पब्लिक सिटी मिली है मुझे, वो मैशअप से मिली, सिर्फ मैं वो मैशअप ही लिखता हूँ। और तो और हमारे राइटर हैं कुछ भाई, अभी मैंने आपको बताया जो था पिंटू भाई है हमारे, जो मिंटू नागर जी हैं, जिन्होंने गाना लिखा है हमारा अभी जो गुजर वाला सॉन्ग है, तो मिंटू भाई का उसमें राइटिंग है, तो उसमें गाया वो ज्ञानदर भाई ने, ज्ञानदर सरदना ने, और एक्ट में कर रहा हूँ उसमें। अच्छा, उसमें आप एक मॉडल हो? हाँ, एज ही मॉडल्स कर रहा हूँ। रिसेंटली हमने एक पॉडकास्ट में देखा था, प्रांजल दहिया जी ने ये बोला था कि मतलब एक गाना जो होता है वो एक मॉडल की वजह से ही चलता है बस। नहीं नहीं, नहीं उसके बारे में क्या कहना है आपका? भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो सब कहने वाली बात है। सबसे जो मेन बंदा होता है जो लिख रहा है, क्योंकि वर्ड को जो बंदा आप, अगर आप रील बना रहे हो, आपने क्या बोला अभी मेरे से क्या, और आपने उसके माइंड में घुसा दी वो चीज़ें, भाई उसमें वर्ड ही ऐसे आ रहे हैं, गुजर ने मारे भगवान, तो लिखा तो उन्होंने ना। दूसरे नंबर पर जो सिंगर आता है और फिर आता है म्यूजिशियन, उसके बाद हम मॉडल चौथे नंबर पर आता है भाई। पर ये जरूर है कि हाँ उसमें मेहनत जो होती है, मेहनत के लिए आप बोल सकते हो कि जो बंदा एज ए जो एक्टिंग कर रहा है वो बंदा क्या करेगा, बस थोड़ा वो ज़्यादा सपोर्ट करेगा गाने को, क्योंकि वो उसमें एज ए मॉडल कर रहा है। करते तो सभी लोग हैं, पर जो ज़्यादातर जो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, जो बंदा एक्ट कर रहा है और जो पैसा लगा रहा है, देखो जो बंदा पैसा लगा आप सभी को पता है मेहनत भी वही करेगा, ठीक है ना। तो मेरे ये नहीं कह रहा कि भाई राइटर मेहनत नहीं कर रहा या सिंगर मेहनत नहीं कर रहा, बस थोड़ी उसकी मेहनत कहने वाली बात है 100% होती है। अगर राइटर है तो 80% है भाई, जो मैं कह रहा हूँ सिंगर है 90% है, जो बंदा पैसा लगा रहा है। देखो आप भी समझदार हो, आप भी कोई बंदा है कि जो बंदा पैसा लगाएगा ऑब्वियसली वो सोचेगा कि ये पैसा निकल के आए वापसी। हाँ जी, समझदार हो ना, क्योंकि ये भी देखो राइटर का भी होता है। देखो राइटर बहुत से ऐसे हैं हमारे, अभी जो मैं आपकी बात बता रहा हूँ, मिंटू भाई हैं जिन्होंने गाना लिखा है, उनका क्या है, उनने इतने जो वर्ड जो लिख लिख के दिए हैं जो मुझे पसंद आए, उनकी मेहनत है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि मेहनत नहीं है। अभी नए मार्केट में कर रहे हैं, आगे को भी काम करेंगे। और भी राइटर हमारे पास, संदीप भाई है जिन्होंने हमें बहुत सारे गाने हिट दिए हैं, संदीप मतनोरा, ठीक है, और एक अरुण गढ़वाल है लड़का, उसने भी गाने लिख के दिए हैं, और भी दो चार भाई हैं जो गाने लिखते हैं। तो मैं सबकी मेहनत समझता हूँ, यूनिक मेहनत नहीं करते, सब लोग मेहनत करते हैं भाई। वो स्टेटमेंट्स ऐसी थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल थी, उन्होंने ऐसा कहा था कि जब गाना हिट होता है तो राइटर और सिंगर मुंह उठा के आ जाते हैं कि मेरा गाना, और जब फ्लॉप होता है तो मॉडल के ऊपर दोष डाल देते हैं, तो इसीलिए वो स्टेटमेंट बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल। ये बात जैसे एक सही भी है कुछ और कुछ गलत भी है, मैं ये भी नहीं कह रहा गलत है। कुछ लोग जो ना जब हिट हो जाते हैं ना भाई, कुछ लोग सोचने लगते हैं कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, ये चीज़ें गलत है। वैसे भाई पब्लिक का कुछ नहीं पता, अगर किसी को उठाती भी गिराने में भी 2 मिनट लगती हैं। हाँ जी, तो ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। देखो मैं तो सबको बराबर मानता हूँ भाई, मेरा कहना ये है, मैं ये नहीं कहता भी राइटर ही बड़ा है या सिंगर ही बड़ा है या एक्टर ही बड़ा है, मैं सबकी मेहनत समझता हूँ उसमें। और आप सभी को पता है भाई, अगर मेहनत सारे करेंगे तभी कोई चीज़ चलेगी, एक बंदा कभी कोई हिट नहीं कर पाएगा, नहीं तो मॉडल कर पाएगा, नहीं राइटर कर पाएगा, नहीं सिंगर कर पाएगा। वो अब सभी का नसीब होता है कि भाई कोई पब्लिक को कोई चीज़ें पसंद आ गई तो उठ गई चल गई,
ये टीम वर्क होता है वो पूरा, टीम वर्क से ही काम चलता है। कोई भी काम करोगे बिगर टीम के करोगे, यहाँ पे एक कर लोगे, दो कर लोगे, हाँ जी तीन कर लोगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे आप। भाई मैं खुद करता हूँ, मुझे पता है, मेरी टीम है पूरी भाई, मुझे सबको काम दे रखा है, सारे काम करते तभी तो चलता है, मैं इकला कैसे कर लूंगा आप बताओ। चलो इस चीज को सही बात, इकला कोई नहीं कर सकता भाई, इकली सारी चीजें कैसे कर लेगा कोई बंदा, सबकी मेहनत है। मैं तो एक बात बताऊं, आप जो सबसे ज्यादा मैं मेहनत बताऊं यार, जो लाइट के पीछे भी खड़ा है ना बंदा, भाई उसकी भी तो मेहनत है, बहुत मेहनत है। हम लोग बोल देते हैं ठीक है, जो बंदा लाइट लेकर खड़ा है पीछे उसकी क्या मेहनत नहीं है, जो बंदा कैमरा चला रहा है क्या उसकी मेहनत नहीं है, जो बंदा एडिट कर रहा है क्या उसकी मेहनत नहीं है, बताओ आप। सब पैसा कौन नहीं लगा सकता, किसके पास नहीं है पैसा, आप मेरे को बताइए किसके पास पैसा नहीं है, सबके पास पैसा, आपके पास पैसा नहीं है, आपका मन नहीं करेगा मैं गाना, भाई गाना बना लूँ, पैसा सबके पास है भाई, किसके पास नहीं, हर कोई चाहेगा मैं कर लूँगा भाई, ये नहीं है कि होगी पैसा लगा के कर सारा काम हो जाएगा भाई, सबकी मेहनत बोलता हूँ मैं ना, तो मैं राइटर की भी, सिंगर की भी, और मॉडल की भी, और जो बेचारे जो पीछे खड़े हैं धूप में आपके पास लाइट लेके खड़े हैं बेचारे, जो कैमरा चला रहा पूरे दिन पसीने में तरम तर हो रहा है, जो बंदा एडिट करके आ रहा है, क्या उनकी मेहनत नहीं है, आप बताओ। सबकी मेहनत भाई, टीम वर्क ही होता आप है। तो कैमरे के सामने आ रहे हो, कैमरे के पीछे मेहनत कर रहे हो, आप कैमरे के सामने मेहनत कर रहे हो, अरे उनको लाओ सामने, क्या वो नीट नहीं हो जाएंगे, या बताओगे बात है? होंगे भाई, सोचो आप एक बार। तो ये चीजें गलत है भाई, जो भी बंदा कह रहा है कि मेरे वजह से, अरे मेरे वजह से, भाई सबकी मेहनत, पूरी टीम की मेहनत, आप चार बंदों को भी नहीं कह सकते भाई, चार बंदे का नाम ले लिया आपने, राइटर हो गया, म्यूजिशियन हो गया, सिंगर हो गया और मॉडल हो गया, उनकी मेहनत है, जो बंदे पीछे काम कर रहे हैं, जो बंदे तुम्हें पानी पिला रहे हैं, जो तुम्हारी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, बताओ आप। इसी वजह से तो भाई वो स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल में रही थी बहुत, गलत है ये चीज़ें, सबकी मेहनत है भाई, वो जब से ही वायरल में। मैं आज ही बोलूंगा कि मेरी सिर्फ सिंगल मेहनत, मैं नहीं बोलूंगा भाई, मैं सबकी मेहनत बोलूंगा। अच्छा भाई, तो भाई वैसे स्टार्टिंग डेज में क्या स्ट्रगलिंग डेज रहे थे आपके, मतलब घर से सपोर्ट, बाकी फाइनेंशियली कैसे मैनेज करा था आपने, फ्रेंड्स का सपोर्ट या ताने वगैरह ये सब? देखो सपोर्ट तो सबका ही रहा है इस स्टार्टिंग में, तो फाइनेंस की तो ऐसे थी भाई, देखिए मैंने बहुत मेहनत करी है अपनी लाइफ में, मैं सभी को बताना चाहूंगा कि मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे कि मैं पढ़ाई करता था, पढ़ाई भी छोड़ दी मैंने, मैंने एज ए घर से भी ट्रैक्टर चलाता था भाई, मैं सही बताऊंगा। अच्छा हाँ, घर पढ़ता भी था, मेरा पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं था, ट्रैक्टर चलाता था भाई पूरी पूरी रात, और मैं बहुत अच्छा ड्राइवर था ट्रैक्टर का भी भाई, क्लियर बात है बोलना चाहूँगा, क्योंकि मुझे अपनी चीज़ें बतानी जरूरी है, आप मेरे से कोई सवाल कर रहे हो तो मुझे अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहिए कि मैंने किस तरह से स्ट्रगल करा। रात को क्या होता था भाई, ट्रैक्टर चलते थे तो मैं पता, मट्टी डाल देते, मुझे रात को ले जाते थे, 500 रुपये पर डे के देते थे मेरे को सिर्फ बैक लगाने के। अच्छा, मैं एक एक्सपर्ट था ट्रैक्टर चलाने में, मैंने वहाँ से मेहनत करी है भाई, जोड़ा है मैंने, जोड़ जोड़ के चलाता था भाई। देखो कमाई मैं छोटेपन से ही कमाता हूँ, 15-16 साल का था जब से ही मैं, मतलब हम कहने अलग हो गए थे सारे, जैसे चाचा ताऊ में ना हो जाते थे, सबके घर में होता है, तो मैं हम अलग हो गए, तो हमने काफ़ी मेहनत करी, मैंने खुद ने, मैं बड़ा था अपने घर में, तो बहुत मेहनत करी, कमाया भी, सब चीज़ करी, वहाँ से मैंने जोड़ जोड़ के वो गाने बनाए थे भाई। चले कुछ लोगों ने मेरे को फ्रॉड भी करा मेरे साथ, बहुत लोग थे, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी पहले, पैसे भी खर्च करे बहुत ज़्यादा चीज़ों, देखो ठोकर लग के आदमी को गल आती, पर मैं रुका नहीं, क्योंकि बस अंदर जुनून था किसी चीज़ का। मैंने आपसे अभी भी बोला और ऑडियंस से भी बोल रहा हूँ, और किसी भी जो भी मेरे भाई हैं युवा, कि भाई मेहनत करोगे तो जरूर फल मिलेगा, शॉर्टकट में कोई ऊपर नहीं पहुँचता। सोचते हो आजकल के लोग बाग भी सोचते हैं, हमारे नोकल के सोचते हैं, एक दो गाने कर लिए हिट हो गए भाई, मैं स्टार बन गया। भाई स्टार बनने के लिए जो ना, अगर हम यहाँ पे हैं ना तो यहाँ पे ही होने चाहिए, हम कभी भी नीचे जा सकते, कभी भी ऊपर जा सकते हैं। तो मैं सभी से यही करता हूँ भाई, प्यार बना के रखो सबको, किसी से मत जलो, सब अपने नसीब का खाते हैं। अगर मैं सोचूं यार ये मेरी गाने की रील बना देगा तो भाई यार मैं इसके गाने की रील बना दूंगा हिट हो जाऊंगा, क्या एक गाने की रील बनाने से हिट हो जाएगा कोई, आप बताओ? एक काम करने से तो कोई हिट होता ही नहीं होता है। अगर मैं कल को ये सोचने लगूं कि यार ये भाई ने मुझे रील्स के लिए बोला है कि मैं रील्स बनाऊं, अरे मैं उससे कह दूं यार मैं नहीं बनाऊंगा रील्स, क्या पता इसका गाना हिट हो जाए, क्या मेरी एक रील से कोई हिट हो जाएगा? नहीं होगा। तो भाई मैं सबसे ही ये बोलूंगा जो भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं, कि जो भी भाई, सबकी हेल्प करो, सबसे बनाओ, एक दूसरे से मिलकर रहो। आज हमारा हरियाणा, जो हमारे यहाँ का हरियाणा नोकल का NCR है, आज वो बहुत ऊपर होएगा भाई, अगर आप सब मिलके और एक साथ चलोगे, ये मैं बोल रहा हूँ। तो भाई मेरी यही बोलना है कि सभी से, कि सारे मिलके रहो, मिलके करो। अगर कोई बंदा, देखो इतना तो हम भी बोलते हैं, लोग बाग इस इंटरव्यू को बोल के भी कहेंगे यार गौरव भाई तो हमारे पर नहीं बनाता, भाई आप मेरे से बोलोगे मैं तभी तो बनाऊंगा, मुझे क्या पता किसका गाना आ रहा है इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में इतने गाने आते हैं डेली, मुझे क्या पता किसका गाना आ रहा है, मैं भी तो बोलता हूँ भाई तुमसे। हाँ जी, कुछ लोग ऐसे भाई है मेरे जन्मदिन से बोलते हो बनाते हैं, मेरे से मना नहीं कर रहा, कुछ लोग नहीं बनाते, वो मेरे से कमेंट करते थे भाई तू हमारे पे नहीं बनाते, अरे भाई मैं तुमसे बोल रहा हूँ तभी तो मैं, तुम बना रहे हो तो मेरे से बोलो, अगर मैं ना बनाऊँ तब बोलोगे भाई ने नहीं बनाया रील भाई। हाँ जी सही बात है,
भाई किसी ना किसी चीज में मैं भी तो सीनियर हूँ किसी से, अगर यार मेरा भी तो आप एक मैं कल को अब लोग बाग उठा रहे भाई ब्लू टिक लग रहा है भाई का ये हो रहा है ये हो रहा है, अरे भाई ब्लू टिक लग रहा है तो मेहनत करी है ना मैंने, फिर आप ये भी बोल रहे हो ब्लू टिक लग रहा है तो मैं आपसे सीनियर ही हुआ फिर तो भाई, मुझे कोई चीज पहले मिल गई आपसे तो मेरे तो सीनियर हुआ ना मैं, तो आप अगर मैं तो मैं जूनियर बनने के लिए तैयार हूँ भाई, सीनियर भी नहीं है अगर आप मेरे से बोलो किसी चीज के लिए, ठीक है तो यही चीज है। तो भाई मैं सभी से बोलूंगा सब मिलकर रहो काम करो बढ़िया तरीके से। तो आपका ये ब्लू टिक वाला भी बहुत वो हुआ कि पैसे दे के लिए आए या ये पब्लिक कहती है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? पब्लिक कोई पैसा नहीं लिया मैं किसी चीज में, मैंने कोई पैसा नहीं दिया, मेरा भाई है छोटा जी जो वाई भी नाम है उसको, आता भी एडिटिंग में सारी चीजें, हम दोनों भाई ने ही खुद अप्लाई किया है भाई, मैं आज सभी को बताना चाह रहा हूँ, ये सब अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई चीज़ हमने पैसे मिली है, पैसे में मैंने कुछ नहीं लिया भाई, मैंने काम कराया मेहनत करी है सारी चीज़ें हुई है, मुझे ऐसे ही इंस्टाग्राम में ब्लू टिक दिया है भाई, मैंने नॉर्मली अप्लाई किया मेरे आर्टिकल थे मैंने वो करे उसी से ही मुझे हुआ, मैंने कोई पैसा नहीं दिया। अच्छा अब देखो सोचने वाले के देखो मैं नहीं कह सकता, आप किसी के बोल सकते हो, पर मेरा ये है कि देखो जो देने होते तो मैं खुद बोलता भाई पैसे दिए, मैंने कुछ पैसा नहीं दिया, मैंने सिर्फ अप्लाई किया एज ए गूगल पे मैं रजिस्टर्ड हो गया हूँ एज ए आर्टिस्ट, उसने मैंने दिया उसमें मेरे अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, मैंने उस पर फॉर्म भरा अपना फिल किया ब्लू टिक मिल गया मेरे को। ये तो भाई हेटर्स के काम है नेगेटिविटी फैलाना, वही है ना भाई ऐसे मैं आज बता रहा हूँ, कोई पैसा वैसा के कोई बोलता है अगर आप भी कह रहे हो हमने सुना है तो पैसा के कोई मैटर नहीं है भाई, कि पैसा दे के ब्लू टिक मिला है तो, और अभी शायद बहुत जल्दी है कि छोटा भाई है और भाई है हमारे भाई साहब है तो उन पर भी बहुत जल्दी होने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि भाई पैसा दे के ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत से होगा, मेहनत से होगा भाई, कर रहे हैं वो बंदे मेहनत कर रहे हैं इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो भाई जब भी तो होगा, ऐसा कैसा हो जाएगा भाई, फिर तो पैसा तो हर किसी के पास है, आप नहीं सोचते कि पैसा नहीं है किसी के पास, अगर पैसा था जो मैं ऐसे ऐसे आपको सोशल मीडिया वाले बंदे दिखा दूँ जिनके मिलियंस मिलियंस में है अच्छे फॉलोवर है वो काफ़ी पैसे कमा रहे हैं 10 लाख 15 लाख रुपये मंथली कमा रहे हैं, क्या उनके पास पैसा नहीं है, क्या वो ब्लू टिक नहीं लगवा सकते, आप बताओ लगवा सकते हैं सब अगर पैसों से लगे। मैं आपको ऐसे आप इंस्टाग्राम भी देखते हो गए ऐसे ऐसे भी दिखा रहा हूँ मैं आपको जो 10 10 मिलियन 15 15 मिलियन फॉलोवर हो रखे हैं यार अच्छी इनकम कर रहे हैं इंस्टाग्राम से, क्या उनके पास पैसा नहीं है, क्या वो ब्लू टिक नहीं लगवा सकते, अगर पैसा ऐसे लग सकता आप बताओ, जो बंदा 15 लाख रुपए कमा रहा है महीने की, मैं कह रहा हूँ 15 लाख 20 लाख भी लग रहे हो ब्लू टिक लगने में, क्या वो ब्लू टिक नहीं लगवा सकता एक महीने की इनकम से अपनी से, वो सबसे पहले यही काम करवाएगा अगर ऐसा होगा तो आप भी सोच सकते हो इस बात को, जो भी ये सुन रहे हैं इंटरव्यू में वो भी सोच सकते हैं इस बात को। अच्छा भाई हमने ये और सुना है कि हरियाणवी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म बहुत है, जो बाहर के यूपी के रहते हैं और बाहर के तो उनको इतनी चांस नहीं देते वहाँ पे गाने वाने गानों का शूट वूट का। रिसेंटली अभी मावी दादरी वगैरह भाई आए थे उन्होंने बताया था, ये क्या बताया था कि वहाँ पे हरियाणवी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म बहुत है, मतलब इधर के कलाकार को वहाँ पे जाके सपोर्ट नहीं करते इतना, वहाँ की पब्लिक से कुछ इतना खास सपोर्ट मिलता नहीं है, उनका कहना ये था। देखो ऐसा कुछ नहीं है सपोर्ट मिलने वाली बात है, सपोर्ट कौन करता है, आप मैं आपसे एक बात बोलने चाहता हूँ आज मेरी बात, सपोर्ट कब लोग करते हैं, बोलते हैं भाई मैं इसकी काम इसकी मेहनत नहीं यार इस पर कुछ नहीं आता है, आज जब वो बंदा हिट हो जाता है पब्लिक उसके साथ हो कैसे जाती है फिर, फेमस होने पे तो हर कोई साथ हो जाता है, तो भाई वो चीज़ें मत करो ना, मैं तो भाई से बोलूँगा कि यो वो ऐसे बोल रहे हैं, अरे आप में इतना जुनून होना चाहिए कि दुनिया आपको देखे दुनिया आपको सपोर्ट करे, खुद आप उस काबिल बनो ना भाई, देखो फिर हेटर्स वाली बात आ गई ना वही, देखो हर कोई मैं आज ही बता रहा हूँ कोई नहीं चाहता कि वो बंदा आगे बढ़े या ही करे, हर कोई आगे अभी भी वही चीज़ करो भाई, सबको सपोर्ट करो सबसे बातें करो आगे बढ़ो, देखो वो चीज़ तो अपने ऊपर डिपेंड है, आप मेरे से मैं तो नहीं कहता भाई कि यार मुझे वो सपोर्ट नहीं कर रहे, अरे मैं अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो अजय भाई ने मेरी वीडियो बना रखी है, अजय हुड्डा भाई ने विजय वर्मा भाई ने मेरी वीडियो बना रखी है, उधर तो वही टॉप चल रहे हैं हरियाणा में, आप मेरे इंस्टाग्राम पर देखो एक बार बोला मैंने भाई से बात हुई तुरंत एक बार मैं बना दी वीडियो, मैं कैसे कह दूँ भाई ये चीज़ों को, आप बात करो ना पहले उसके पास जाओ ना, अगर आप खुद आर्टिस्ट हो उनको बताओ मैं आर्टिस्ट हूँ तो दिखाओ उनको वो सपोर्ट करेंगे। अच्छा मैं भाई फिर वही बात बोलूँगा, यही तो हमारे अंदर फितूर बन जाता है, पहले बिगर बात करें बिगर डिसीजन लिए हम बोल देते हैं यार वो सपोर्ट नहीं कर रहे, भाई आप बोलो आपने मेरे को पास कॉल करी क्या मैं आया नहीं आपके पास, आपने बोला मेरे से भाई इंटरव्यू लेना है टाइम मिला मैंने बोला ठीक है भाई आऊँगा, बात करी ना उससे पहले शायद आप सोच रहे होगे भाई का सवाल था एक मेरे पास आने पे कि भाई आपने रिप्लाई नहीं करा मैंने मैसेज करा उसके लिए भाई मैं ये नहीं कह सकता, देखो रिक्वेस्ट में तो कितने आते रहते हैं आपको पता है, मैं इंस्टाग्राम कम चलाता हूँ छोटे भाई चलाते हैं क्योंकि मुझे मैं भी थोड़ा बिजी रहता हूँ, आप लोगों ने मुझे बिजी करा है, मैं बिजी नहीं था आप लोगों ने करा आगे बढ़ाया, देखो जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है पब्लिसिटी या अपॉर्चुनिटी मिलती है बढ़ने के लिए उतना इंसान बिजी हो जाता है भाई, मैं ये फैन से ये बात बोलना चाहूँ बिल्कुल भाई माइंड मत करो, आप लोगों ने आगे बढ़ाया आप लोगों ने ऊपर पहुँचाया हमें, हम बस किसी चीज़ में अच्छा करने के लिए तुम्हें अच्छा दिखाने के लिए उसमें और ज़्यादा मेहनत करते हैं तो हम उस चीज़ में बिजी हो जाते हैं।
तो भाई अब क्या रिएक्शन होता है उन लोगों का जो पहले बातें बनाते थे, गाना बना रहा है, शूट कर रहा है, ये कर रहा है, वो अब कर तो रहा बहुत अच्छा है भाई, सपोर्ट करते हैं, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं कह रहा हूँ एक इंसान कहता है ना, जब हम पहले पहले मेरे पास बहुत रोक थी मेरे लिए, ये मत करो वो मत करो, आप मुझसे कोई कुछ नहीं कहता, ना मेरे घर वाले, ना मेरे भाई, ना मेरे दोस्त, ना मेरे रिश्तेदार, कोई नहीं, ना मेरे गांव के कोई, सबको पता है भाई अच्छा कर रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो सपोर्ट ही करते हैं सभी। अच्छा तो भाई जब आपने पहला गाना शूट किया था उसमें कितना एक्सपेंस आ गया था? देखो उसमें तो कोई ना भाई, दाल रोटी घर से सब चलाते हैं, कोई दिक्कत ना उसमें तो, नहीं एक्सपेंस मतलब मतलब उसमें रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स खर्चा का कितना हो खर्चा गया कितना हो गया था था उसमें? गाने पे? हाँ हाँ जैसे गाने पे आपने तो भाई हो गया था, 20-30 हज़ार रुपये लग गए थे मेरे पहले गाने में, क्योंकि क्यों नहीं, देखो वो क्या था, खुद की चीज़ें थी मेरी सारी, म्यूजिक मेरा खुद का था, ठीक है, राइटर मैं खुद था, सिंगर भी मैं उसमें खुद था, मैं सिंगिंग अभी कम करता हूँ, सिर्फ मैं सब सॉन्ग में ही सिंगिंग करता हूँ, नहीं जो सबसे ज़्यादा हिट हुए हैं ना वो मेरी सिंगिंग के ही सॉन्ग है जो ज़्यादा हिट हुए हैं, पॉपुलर पच्चीस जो मिलियन है। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेरे सॉन्ग हैं जिसमें मैंने खुद ने सिंगिंग करी है ना, वही गाने हिट हुए हैं तो भाई फीलिंग क्या थी उस टाइम पे जब आपका पहला गाना वायरल हुआ था? यार। बहुत अच्छा था, मेरे अंदर बहुत खुशी थी, मैं तो ये बोलना चाहूँगा ये पहले गाने में भाई जब मैंने शूट किया था ना, कि सारी जिम्मेदारी मेरे पे थी, डायरेक्शन मैंने खुद नहीं करे भाई, मेरे को एक शॉट ऐसा था, मैं ये सलो मैंने सोचा यार ये शॉट मेरा घोड़े का शॉट है, मैं गिर भी सकता हूँ, मैं नहाऊंगा बाद में, ये लगा इतना तक भी था भाई, मैंने घोड़े पर चढ़ के एक शॉट दिया, उसमें नॉन डॉन्डी का बीज ना था, मेरा पहला मैशअप था, तो मैं उसमें नहाया नहीं, मुझे पता था यार नहाऊंगा दोबारा फिर ये मुझे गिर ना दे घोड़ा, मैं सीन काट रहा हूँ, तो इतनी भी मेहनत थी, उसके बाद मैं नहाया, उसके बाद मैंने शूट करा दूसरा जो शॉट रेडी गया मैंने, तो बहुत मेहनत करी है और बहुत अच्छा लगा। पहला गाना मेरा एक कंपनी में था, वॉइस ऑफ आर्ट, मैंने काफ़ी जो मैशअप किए थे पहले उसी कंपनी से किए थे 4-5 गाने, फिर मैंने खुद ने अपना चैनल स्टार्ट करा, मेरे मिलने वाले भाई ने दोस्त ने सबने बोला कि खुद का अपना स्टार्ट करो, तो मैंने अपना खुद का स्टार्ट करा, उसके बाद मेरे ही चैनल पे सारे गाने आ रहे। उसे किसी के साथ कोलेबरेट नहीं कर रहे मतलब नहीं ऐसे? अभी नहीं करा, खुद का ही है कि भाई खुद का एक जुनून है कि देखो मैं खुद काम करूं, देखो आप मेरे से नीचे मेरे भाई भी हैं, आज वो मेरे साथ काम करें तो मैं उनसे बोलूँगा वो भी सक्सेस हो, अब वो होंगे अपनी चीज़ों से सक्सेस, अगर मैं जाके किसी कंपनी से लग जाऊंगा तो कंपनी तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी लगाएगी ना, हाँ उनके जी लिए थोड़ी करेगी, तो मैं खुद का कुछ करना चाह रहा हूँ कि मैं खुद का कुछ सब कुछ करूँ अपना, यही सोच है मेरी, नहीं अगर मैं जब बढ़ना होता तो मैं आगे कंपनी से बहुत आगे भी पहुंच सकता था और भी ज़्यादा, तो मेरा बस यही अंदर से बस इसी चीज़ का हुआ है कि खुद का करना है भाई सब चीज़। तो आपके जैसे वीडियोस डालते हो तो उसपे नेगेटिव देखो कमेंट्स भी बहुत आते होंगे, उनसे वो कैसे डील करते हो? देखो मैं इग्नोर करता हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, सब तरह के लोग बाग रहेंगे, अगर एक आर्टिस्ट को आर्टिस्ट है ना जो एक बंदा, अगर उसे आर्टिस्ट बनना है, देखो मैं यही चाहता हूँ ये चीज़ें सब इग्नोर करनी पड़ेगी, नहीं भाई रोज़ जूत बाजेगा, रोज़ किसी से लड़ाई होगी, इस तरीके से आती हैं, आप सभी को पता ही है, आप भी एक यूट्यूब चैनल चला रहे हो, आप भी इंटरव्यू में देखते हो कि बहुत से लोग अच्छा भी बोलते होंगे बुरा भी बोलते होंगे, तो इग्नोर करो, मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हें कोई गलत भी कह रहा है तो तुम्हें जान रहा है ना, वो तुम्हारे लिए गलत बोल रहा है तो वो तुम्हारा सब्सक्राइबर है भाई, यही नहीं कि जो अच्छे हैं वही सब्सक्राइबर है, जो तुम्हें देख रहा है नेगेटिव ही कर रहा है ना, क्योंकि वो तुम्हें नेगेटिव ही करने के लिए सब्सक्राइब करेगा, इसकी कोई चीज़ आएगी इसे मैं गलत बोलूंगा तो वो भी तुम्हारा सब्सक्राइबर है, वो भी तुम्हें फायदा दे रहा है, वो देख तो रहा है तुम्हें, देख रहा है वो वीडियो। हाँ बस इग्नोर करो, कोई अच्छा ही से जानता है कोई बुरा ही से जानता है, जान तो रहा है भाई, हमको बताया हम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। सही बात है बिल्कुल भाई। आपको एक गाने से कितनी अर्निंग हो जाती होगी? देखो भाई अर्निंग तो कोई कुछ नहीं कह सकता, गाने से अर्निंग का तो कोई हिसाब ही नहीं है, ये वॉच टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जितना वॉच टाइम है, हमारा गाना 4 मिनट का है तो 4 मिनट देखेंगे पूरे गाने उसकी अलग इनकम है, अब कोई गाना ही 10 सेकंड देख रहा है तो क्या इनकम होगी, हम व्यूज़ तक कोई अंदाजा नहीं लगा सकते फिर भी एक एस्टिमेटेड तो होगा जैसे आप इस इंडस्ट्री में भाई, हो इतना तो मिल ही जितना। जाता जितना लगाते हैं वैसे, और क्या है भाई अपना दाल रोटी का खर्चा चल रहा है भाई, हम आपसे मिल रहे हैं और हम थोड़ा कपड़ा लत्ता पहन लें वैसे ही अपना शौक पूरा हो जाए तो भाई और फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या है आपके? भाई, फ्यूचर प्रोजेक्ट बहुत अच्छे अच्छे हैं आगे बढ़ने के, आप भाई इनका सपोर्ट जरूरी है, क्योंकि मैं अकेला क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट करूँगा, आप लोग मुझे अच्छा बताओगे, अच्छा गाइड्स करोगे, और कुछ भाई हैं अच्छा लिख के दोगे मुझे, अच्छा काम करोगे तो मैं अच्छा आगे करूँगा ही, तो भाई कभी आपने सोचा था कि आप इतने अच्छे मुकाम पे पहुंच जाओगे आगे नहीं जाके देखो कोई नहीं बचपन सोचता, में या कभी नहीं भी? मैंने नहीं सोचा सच्ची बताऊँ तो, बस कुछ सपना था कि यार मैं जैसे आज मैं विजय वर्मा भाई को देखता था, अजय हुड्डा भाई को देखता था, और मैं इसे कब बनाऊँगा, हमारे गांव में शूटिंग होती थी, शूट करना है हमारे गांव में, यार मैं उनकी बहुत खातर पानी करता था, भाई हमारे घर आओ पानी पियो चाय पियो, मैं ये सोचता था भाई ये भाई कितने बड़े भगवान है भाई, ये तो मैं ऐसा सोचता था खुद उनके, यार मैं कब बनूंगा ऐसा, मैं कह दूंगा बहुत सारे जुनून आए मेरे अंदर, तो आज देखो मैंने वही चीज़ सोच के मेहनत करी यार, आज मैं देखो कहाँ पे हूँ, तो सपोर्ट हुआ, मेहनत करी खुद से भाई, बहुत मेहनत लगती है, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, मेहनत है, आजकल के तो जो सोशल मीडिया इतने नहीं थी उस टाइम पे जब मैंने स्टार्टअप करा था, अब तो कुछ बहुत ज़्यादा हो चुका है डिजिटल का सारा, आप सभी लॉकडाउन को के पता बाद है से ज्यादा क्रेज बहुत आ ज़्यादा गया हो गया, है। लॉकडाउन ने ही सोशल मीडिया को बहुत आगे ले जा गया, मैं कह रहा हूँ भाई बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं,
आप मैंने अभी तो आपको एक सवाल बोला था ना कि हर 15 मिनट के बाद में हर कोई बंदा स्क्रीन चेक करता है। 15 मिनट तो फिर भी बहुत बड़ी होगी, 15-15 सेकंड भी पब्लिक। हाँ तो भाई इसी के साथ पॉडकास्ट को खत्म करते हैं, और बहुत मजा आया गौरव भाई के साथ बात करके। बाकी गौरव भाई का यूट्यूब चैनल भी इनके नाम से ही है, गौरव भाटी रेडपुरा के नाम से। सारे भाई जाके सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब बटन तोड़ दो बिल्कुल। तो भाई बहुत अच्छा लगा, भाई ने मुझे कह रहा कि मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं और बहुत अच्छा मेहनत भी कर रहे हैं भाई। आप सपोर्ट करो भाई को बहुत ज़्यादा। और भाई के यूट्यूब चैनल है, क्या नाम से बता दोबारा बोलो, द नोएडा टॉक्स। ठीक है, तो भाई का यूट्यूब चैनल है द नोएडा टॉक्स के नाम से, इंस्टाग्राम आईडी भी वही है। तो भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, जैसे आप मेरे को सपोर्ट करते हो तो सभी भाई भाई को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। जय श्री राम भाई, जय श्री राम।